दोस्तों 13 नंबर को शुभ अंक नहीं समझा जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर किसी शुभ कार्य को करने से पहले ये अंक अचानक से दिख जाए तो वो कार्य असफल हो जाता है। चीन देश के लोग भी इस अंक को अशुभ मानते हैं और 13 तारीख के दिन किसी भी शुभ कार्य को नहीं करते हैं। वहीं फ्रांस में खाने के दौरान 13 कुर्सी नहीं रखी जाती है। कई ऐसे देश हैं जहां पर होटल में 13 नंबर का कोई भी रूम या मंजिल नहीं होती, क्योंकि होटल के मालिक भी इस नंबर को अपने व्यापार के लिए अशुभ मानते हैं। भारत के लोग भी इस अंक को अपशगुनी मानते हैं और यही वजह है कि चंडीगढ़ शहर में सेक्टर 13 नहीं है। दरअसल जिस व्यक्ति को चंडीगढ़ शहर का डिजाइन तैयार करने का कार्य सौंपा गया था, उस व्यक्ति ने इस शहर में 13 सेक्टर नहीं रखा। इतना ही नहीं, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी इसे अशुभ अंक मानते थे, क्योंकि उनकी सरकार 13 दिनों के अंदर गिर गई थी। वहीं जब वो वापस सत्ता में आए तब उन्होंने 13 तारीख को शपथ ग्रहण की थी और उनकी ये सरकार 13 महीने के अंदर ही गिर गई। कई ऐसे देश भी हैं जहाँ पर लोग 13 तारीख के दिन अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं और घर में ही रहना पसंद करते हैं, जबकि इटली के कई ओपरा हाउस में 13 नंबर की सीट नहीं होती है और 12 नंबर के बाद सीधे 14 नंबर की सीट रखी जाती है। विदेशों में 13 तारीख के दिन शादी या किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इतना ही नहीं, अगर किसी बच्चे का जन्म 13 तारीख को होता है तो उसका जन्म दिवस 13 की जगह 14 तारीख को मनाया जाता है। 13 अंक को अशुभ मानने के पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है। विदेशों में इस अंक को अशुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि 13 तारीख को एक व्यक्ति ने यीशु मसीह के साथ धोखा किया था। इतना ही नहीं, जिस दिन इस शख्स ने यीशु मसीह के साथ धोखा किया था उस समय वो 13 अंक वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था, तभी से इस अंक को अशुभ अंक माना जाने लगा है और यीशु मसीह पर आस्था रखने वाले लोग इस अंक को देखना तक पसंद नहीं करते हैं।